हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेनेट में आप सबका स्वागत है। तो ध्यान देते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में एक एंगल राइट एंगल लेंगे, इसे पी कहते हैं, इसे बी कहते हैं, इसे एच। पी इक्वल टू पर पेंडिकुलर, पर पेंडिकुलर मीन्स लंब। बी से बेस, बेस मीन्स आधार, और एच से पी से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स लंब। बी से बेस, बेस मीन्स आधार, और एच से हो जाएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज कर्व। ये तीन नेम हो गए तीनों साइड का, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। ठीक है, यह एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का होता है। वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब इसमें जो है मुख्य फॉर्मूला साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अब जस्ट इसका अपोजिट यानी उल्टा करेंगे। ठीक है, अपोजिट कोसेक थीटा, साइन का अपोजिट कर देंगे कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, यानी ठीक साइन थीटा का उल्टा कर देंगे, एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद समझ में आ गया। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, टेन थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। ठीक है, अब यह पी बी का मतलब इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्व, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्व, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ठीक वैसे ही ये तीनों का उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा इसका कोसेक थीटा, इसका हो जाएगा सेक थीटा, इसका हो जाएगा कॉट थीटा। जस्ट अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ फॉर्मूला के बारे में, कुछ फॉर्मूला को जो किस प्रकार से कैसे सिद्ध करते हैं। जैसे एक फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इसको सिद्ध करते हैं। तो साइन थीटा के यहां पे देखते हैं पी बाई एच दिया है, तो हम यहां पे लिख देंगे पी बाई एच, प्लस कॉस थीटा का बी बाई एच, पी बाई एच प्लस बी बाई एच, एच एच का एलसीएम लेंगे तो एच पी, सॉरी यहां पे बी बाई एच होगा, पी प्लस बी, पी प्लस बी का सूत्र होता है एच स्क्वायर बटा, ये अंडर रूट में होता है एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर कट गया हुआ। यानी इसका एक फॉर्मूला हम आगे बता देते हैं, केवल एच में पॉजिटिव रहेगा बाकी में निगेटिव रहेगा। जैसे एच एच कल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी एच कल टू अंडर रूट पी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और बी
इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब यहां पे देखते हैं एच का मान दिया है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर भी पी प्लस बी आ रहा है तो इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, कैंसिल कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 1। नेक्स्ट होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आगे देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा का मान होता है पी बाई एच और कॉस थीटा का मान होता है बी बाई एच, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे P बाई एच इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये H को ऊपर कर देंगे और P B को नीचे कर देंगे, ठीक है। तो हमारा H से H कट गया तो P बाई बी। अब P बाई बी किसका मान है, यहां पे लिखेंगे P बाई बी H tan थीटा का मान है तो ये हमारा tan थीटा, तो लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम हर सूत्र का प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यह सूत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके दसवीं के परीक्षा में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। साइन थीटा इक्वल टू पी वाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी वाई एच, टैन थीटा इक्वल टू पी वाई बी, कोसेक थीटा इक्वल टू एच वाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच वाई बी और कॉस थीटा इक्वल टू बी वाई पी। इसको हिंदी में एक फॉर्मूला लगाते हैं, ट्रिक है ये, लाल बटा कर्ण का लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, यानी साइन कोस टेन का इसमें है। जैसे मान लीजिए साइन साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, ये ल से लंब हो जाएगा और क से कर्ण हो जाएगा, तो हम यहां लिख देंगे लंब बटा कर्ण। नेक्स्ट कोस थीटा, ये पाई जो है आकार, ये पाई से करेंगे आधार, आधार बटा ये को दिया है तो कर्ण हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इस प्रकार जो है हम शॉर्ट ट्रिक से भी फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई, ये फॉर्मूला जो है बहुत उपयोगी है, और खास करके वैसे विद्यार्थी जो टेंथ क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए, ठीक है। ये बेसिक जो है हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं अभी, एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी केवल हाइपोटेनियस यानी कर्ण, कर्ण में केवल प्लस का चिन्ह लगेगा और बाकी परपेंडिकुलर यानी लंब में माइनस का चिन्ह लगेगा, बेस यानी आधार में माइनस का, ठीक है। जैसे यहां पे लगाए हैं एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और बी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी एक एच में केवल प्लस का लगाए बाकी दोनों में माइनस का लगाए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। इस त्रिकोणमिति के जनक हिपाकस को जनक कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, माना कि कोई यहां पे पेड़ है, मान के चलिए ये हमारा पेड़ है, ठीक है। अब जो है हम यहां पे खड़े हैं, ठीक है। पेड़ की हाइट हो गई टोटल 1 आदमी जो है यहां पे खड़ा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पी परपेंडिकुलर यानी लंब, ये हमारा है 3 सेंटीमीटर और हमारा बेस जो दिया है बेस वो हमारा है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं ए बी सी,
ये हमारा कोण बन गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, यानी हम यहाँ पे खड़ा रहकर हम इनकी सबसे ऊंचे वाले भाग की तरफ देखते हैं। तो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है यही निकालना है, ठीक है। तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक में कह सकते हैं कि जो रेखा खड़ी हो, जो रेखा खड़ी हो उसे क्या कहते हैं, उसे लंब कहते हैं। जो रेखा पड़ी हो यानी जमीन पे पड़ी हो उसे कहते हैं आधार, और जो रेखा दोनों पे अड़ी हो, ठीक है, जो रेखा दोनों पे अड़ी हो, ये वाला जो है देखिए ये दोनों खड़ा है इसके ऊपर ये आराम कर रहा है, आराम से लेटा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे हमको, इसको बोलेंगे कर्ण, इसको बोलेंगे कर्ण एच। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एच में प्लस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो एच निकालेंगे, एच एच कल टू अंडर रूट फोर का यानी बीसी, बीसी का स्क्वायर और एसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, ठीक है। और बीसी का वैल्यू कितना दिया, 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर प्लस एसी का वैल्यू कितना दिया, 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये आ जाएगा टोटल 25, 25 का स्क्वायर 5, यानी इसका मान निकल गया 5, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए परपेंडिकुलर की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है ये 13 सेंटीमीटर, कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर, आधार मालूम नहीं है, इसका सबसे पहले नामांकन कर देंगे ए बी सी, और एक समकोण त्रिभुज में आपको पता ही है एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का। अब हमें निकालना है क्या चीज, तो बी यानी बेस, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे यहां क्या फॉर्मूला है, पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो बी एच इक्वल टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर और माइनस ए सी का स्क्वायर, इसको बीसी भी कर सकते हैं, बीसी इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर और माइनस 13 का स्क्वायर, सेम वैसे ही लगेगा फॉर्मूला। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 169, इसको माइनस करेंगे 25 और इसका आ जाएगा 5, इसका वैल्यू हमारा बेस का कितना आ गया 5, ठीक है। इस प्रकार जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो सभी त्रिकोणमितीय का मान निकालें, सभी त्रिकोणमितीय मान को गणना करना है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले इस टॉपिक को लिखेंगे यहां पे टेन थीटा इक्वल टू 3/4, अब टेन थीटा का सूत्र तो आपको मालूम है पी बाई बी, ठीक है। अब इसमें देखेंगे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल में जो खड़ी रेखा था उसको पी कहते हैं, पड़ी रेखा बी कहते हैं, और जो दोनों पे अड़ी रेखा है उसको बोलेंगे एच। अब यहां पे देखते हैं पी के सामने 3 है, यानी पी का वैल्यू 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए, बी का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिए, एच का वैल्यू पता ही नहीं है, एच का वैल्यू तो हमें निकालना है, तो एच का वैल्यू के लिए पता है कि एच में जो है प्लस का सूत्र लगेगा, ठीक है, एच में प्लस का सूत्र लगेगा, तो इसमें क्या करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का 16, 16 9 25,
और 25 का 5, एच का वैल्यू निकल गया 5। अब ये कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय मानों का गणना करें, तो लिख देंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई वी। पी का मान यहां पे देखते हैं 3 दिया है, एच का मान दिया है 5, फिर बी का मान दिया है 4, एच का मान दिया है 5, फिर पी का मान दिया है 3 और बी का मान दिया है 4। अब सभी त्रिकोणमिति यानी साइन कॉस टेन का तो निकालेंगे ही, साथ साथ जो है हम लोग इसके अपोजिट वाले यानी कॉसेक सेक और कॉट का निकालेंगे, ठीक है। यहां पे लिखेंगे कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। ये 3/5 है तो 5/3, 4/5 है तो 5/4, 3/4 है तो 4/3। इस प्रकार से जो है हमारा सभी त्रिकोणमितीय मानों का गणना कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 13 cos θ = 5 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस थीटा, जो एज इक्वल टू के बाद दिया रहता है उसको ऊपर रखते हैं 5, और ये 13 को नीचे। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बाई एच, बी बाई एच। अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर वही चीज है, इसको P, इसको B और इसको H। B के सामने 5 यानी 5 दिया है, H के सामने 13, P निकालना है। P का सूत्र माइनस में होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान 13 दिया है, 13 का स्क्वायर, अब माइनस बी का मान दिया है 5, 5 का स्क्वायर 169 माइनस 25, ये आ गया आपका 144। इसका जो रूट निकालेंगे 12, यानी पी का वैल्यू आ गया 12, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट ये देखते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब इसका पहले वैल्यू अलग लिख देते हैं, साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, पी बाई एच, और कॉस थीटा बी बाई एच। अब यहां देख लेते हैं, पी का मान 12 यानी 12, एच का मान 13, बी का मान 5 और एच का मान 13, ठीक है। कहीं कहीं पे अगर साइन स्क्वायर थीटा रहे तो हम इसको स्क्वायर करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है स्क्वायर नहीं दिया है, सिंपल है। तो साइन थीटा दिया है तो साइन थीटा का मान 12/13 प्लस कॉस थीटा का मान दिया है बी बाई एच यानी 5/13, 5/13 अपॉन, फिर ये 5/13 साइन थीटा का मान 12/13 माइनस 5/13। साधारण से भाषा में कहते हैं कि बटा का जोड़ और बटा का घटाव निकाल देना, बाकी कुछ नहीं, सबसे आसान ट्रिक है। 13 तरह का एलसीएम कितना हो जाएगा, 13, 12 प्लस 5, इसमें 13 तरह का एलसीएम 13, 12 माइनस 5, 12 और 5 17, 17/13, और इसका 12 में से 5 गया 7, 7/13, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, 7/13 इंटू ये 13 को ऊपर कर देंगे और नीचे 7 कर देंगे, 13 से 13 कट गया तो हमारा 17/7 आंसर। इस प्रकार से जो है हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से हल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत हो, किसी में भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको फुल डिटेल में समझाएं, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यदि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 तो दिखाएं कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। इसको हमको प्रूव करना है और प्रूव करके जो है आंसर लाना है 1/6। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। सेम वैसे ही करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, 4 को ऊपर कर देंगे और 5 को नीचे कर देंगे। tan का सूत्र P/B, इसमें क्या निकालेंगे समझने के लिए एक ट्रायंगल फिर बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं ABC। इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं और इसको H कहते हैं। ठीक है, PBH, P का वैल्यू जो दिया है 4 दिया है, B का वैल्यू दिया है 5, H हमें निकालना है। तो H के लिए फॉर्मूला लगाते हैं प्लस का, H के लिए प्लस का फॉर्मूला लगाते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 25, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 41, अंडर 41, 41 का रूट होगा नहीं। ठीक, तो सेम वैसे ही करेंगे। फिर अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसको सीध करके हमें इतना लाना है, इतना को नोट करते हैं, 5 इंटू साइन थीटा P/H माइनस 3 इंटू कॉस थीटा B/H बटा 5 इंटू P/H माइनस 2 इंटू कॉस B/H। सेम पहले साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब जो है इसमें 5 इंटू P का वैल्यू दिया है 4, 4/H का वैल्यू दिया है अंडर रूट 41 माइनस 3 इंटू B/H बी का मान दिया 5 अपॉन H का मान दिया अंडर रूट 41। सेम वैसे ही कर देना, 5 इंटू 4/√41 माइनस 2 इंटू 5/√41। अब इसमें तो कटने वाला है नहीं, अगर कटने वाला होता तो यहां पे कटा देते, लेकिन कटने वाला है नहीं तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, 5 का 20 बटा √41 माइनस 5 3 15 √41 अपॉन 5 का 20 √41 माइनस 5 × 10 √41। अब क्या करेंगे, सेम वही करना है, बटा के घटाव कर दीजिए, अब √41 से √41 का वर्गमूल कितना आ जाएगा √41 और 20 माइनस 15 बटा इसका भी वही आ जाएगा √41 और 20 माइनस 10। ठीक है, 20 में से 15 गया 5 बटा √41 और ये 20 में से 10 गया 10 √41। ठीक है, एक माइनर मिस्टेक है, क्वेश्चन में यहां पे प्लस रहेगा। ठीक, यहां पे प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, केवल प्लस लगा देंगे तो हो जाएगा, तो यहां पे ये केवल 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 यहां पे फिर वही कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनटू √41/30 √41 कट गया, 5 × 5 × 5 = 30 यानी 1/6 हमारा आंसर प्रूव्ड हुआ। ठीक है, सेम करना है, बस वही 5 इंटू साइन थीटा का मान रख दीजिए, 3 इंटू कॉस थीटा का मान रख दीजिए और इनमें से P/H का मान रख के हम अगर ये कटने वाला होगा तो कटा देंगे और नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर प्रूव कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।